मैं आप लोगों को मक्खन निकालना सिखाती हूँ। देखिए, 4 दिन की मलाई है जो दूध में ऊपर आ गया। आजकल बच्चे लोग भी नहीं पीते हैं, उनको छान के देना पड़ता है, तो उसका मलाई निकाल के रख देते हैं। इधर रखिएगा तो 2 दिन में आपको इसको चलाना पड़ेगा, पर ये मैंने फ्रिज में रख दी है। तो जब इसको चलाना हो तो 1 घंटा पहले आप निकाल दीजिए, जब वो नॉर्मल हो जाए। तो आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए, लकड़ी का है जो इससे दाल घोटने का थे, पर ये दाल घोटने के लिए नहीं रखे हैं, हम अलग से रखे हुए हैं। इसी से घी निकाल के और घर का ही घी खाते हैं। ये 4 दिन का मलाई है। देखिए कितना आसान तरीका से आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ निकाल के। लकड़ी का है, पहले इसको हम मिला देंगे, इसको अच्छी तरह से फेंट देंगे। हाँ, मलाई में हम क्या करते हैं कि उसमें थोड़ा सा 1 दिन दही डाल देते हैं। 1 दिन का जब छाल ही मलाई मेरा जम जाता है, उसके बाद हम निकाल निकाल कर उसको फ्रिज में ही रखते हैं। तो उसके बाद फिर हम लास्ट में उसको 1 दिन और बाहर छोड़ देते हैं। हल्का होने लगा, तो मैं इसको दोनों हाथ से दिखाती हूँ चला के। आपको देखिए कितना जल्दी, 5 मिनट भी नहीं लगेगा। देखिए ऊपर आ रहा है, जो मक्खन है सब ऊपर आ रहा है। इससे हाथ का आपका एक्सरसाइज भी हो जाएगा और आप घर का घी भी खा लेंगे। बाहर का घी तो क्या क्या मिलाया हुआ रखता है। इसका एक और ट्रिक है, अगर आपको मक्खन जलाना है तो आप अभी मक्खन हम निकालेंगे, तो उसको हम 1-2 घंटे के लिए अगर फ्रिज में रख देंगे, उसके बाद अगर जलाएंगे तो जो छिटकता है ना बाहर, वो छिटकेगा नहीं, बहुत आसानी से जल जाएगा, इधर उधर नहीं छिटकेगा। देखिए अब मेरा मक्खन आ रहा है, थोड़ा सा और इसको देखिए आ गया है, पूरा ऊपर आ गया। थोड़ा सा और इसको हम चला लेंगे, उसके बाद इसमें हम पानी डाल देंगे। बहुत दिन से सोच रहे थे कि डालते हैं, इतना आसान तरीका से मक्खन निकालने। बार बार इधर आ जाते हैं। देखिए अभी पूरी तरह से ऊपर आ गया है मक्खन, आपको दिख रहा है सब मक्खन ऊपर आ गया। थोड़ा सा इसको हम जोर से करेंगे, हल्का भी हो जाएगा। इसमें पानी डाल दे, मक्खन वाला बर्तन है, देखिए इसमें पानी डाल देते हैं। देखिए पानी डालते ही सब ऊपर आ रहा है, चलाने की जरूरत नहीं है, देखिए सब ऊपर आ गया। देखिए पानी डालते ही सब मक्खन ऊपर आ गया। पहले लोग बड़े बड़े मलाई से मक्खन निकालते थे, जब हड़िया दूध में घी होकर था।
इसको हम हाथ से या चम्मच से किसी भी चीज से निकाल लेंगे। इसका पानी है, जो पानी डाले उसको हम निकाल कर देते हैं। आपको घी खरीदने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप इतना मक्खन जमा कर लेंगे, घी जमा कर लेंगे, घी तो हर एक चीज में खाया जाता है। पहले के लोग तो घी खाया करते थे, अब घी खाने के लिए मना ही कर देते हैं, घी खाना ही। हम लोग तो अभी भी सब्जी में खाते हैं, खिचड़ी में, चावल में, रोटी में। सारा मक्खन बन के तैयार है। उसको 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, नहीं तो ऐसे भी हम जला सकते हैं। इसको हम गैस पे चढ़ा के इसको जला देंगे और इससे हम घी निकाल देंगे। देखिए इतना कम मलाई में इतना सा, जितना मेरा मलाई था उतना मक्खन निकाल। आप फिर से अपने घर में दूध से मक्खन निकालिए, दूध से मलाई निकालिए और मक्खन बनाइए और घी बना के खा लीजिए। अपने भी खाइए, बच्चे को भी खिलाइए। घी खाने से कोई मोटापा नहीं है। धन्यवाद।